ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आहुश्चते नलिननाभपदारविन्दम् योगेश्वरैर्हृदिविचिन्त्यमगाधबोधये। संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनःसुधियात् सदा नः। स्वरूप संगे जार अर्थ करे आस्वादन, नृत्य मध्य से श्लोक करे न पठान। स्वरूप दामोदर जी के साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु जिस अर्थ का आस्वादन कर रहे थे, उसी श्लोक को चैतन्य महाप्रभु नाचते नाचते बोलने लगे। आहुश्चते नलिननाभपदारविन्दम् योगेश्वरैर्हृदिविचिन्त्यमगाधबोधये। संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनःसुधियात् सदा नः। जब कुरुक्षेत्र में अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ गोपियों का मिलन हुआ, तो राधा प्रधान गोपियां ये श्लोक बोली हैं श्रीमद् भागवतम में। आहुश्च, उन्होंने कहा, श्री राधा रानी और ललिता आदि सखियों ने कहा, ते नलिन नाभ पदार बिंदम, हे नलिन नाभ, हे कमल नाभ, आपकी नाभि कमल से भी अधिक सुंदर है। आपका पदार बिंद योगेश्वरों के हृदय में सदा विचिंत है, वे लोग चिंतन करते रहते हैं। जिन योगेश्वरों का अर्थात भगवान शिव शनकादि आदि का बोध अगाध है, अगाध ज्ञान है जिनका, उन ऋषियों के, उन योगेश्वरों के द्वारा आपके चरण कमल का चिंतन होता है, और इस संसार कूप में पड़े हुए जीवों के तरने का वही अवलंबन है। हम अपने घर में रहें, वृंदावन में रहें, फिर भी आपका चरण कमल हमारे मन में उदित रहे, इसका वास्तविक अर्थ चैतन्य महाप्रभु करते हैं। और मेरा हृदय मन मोर मन वृंदावन, मन मन एक करी जानी, ताहा तोमार पद द्वय करह यदि उदय, तबे तोमार पूर्ण कृपा मानी। गोपियां कहती हैं भगवान से, विशेषकर श्री राधा रानी का, चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में आविष्ट रहते हैं, राधा भाव को स्वीकार करके और राधा रानी के अंग कांति को स्वीकार करके वे अवतार लिए हैं भगवान कृष्ण। तो गोपियां ऐसे कहती हैं, उनके भाव में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन। दूसरे जो जीव हैं, दूसरे लोग, उनका हृदय ही मन माना जाता है, लेकिन हमारा तो वृंदावन ही मन है। वृंदावन को ही मैं मन समझ, हम मन अपना जानते हैं। अनेर हृदय मन मोर मन वृंदावन, हमारा मन तो वृंदावन ही है, अर्थात वृंदावन ही हमारा मन है। वृंदावन में और हमारे मन में कोई अंतर नहीं है। मने बने एक करी जानी, तहां तुमर पद द्वय कराई यदि उदय, कराई यदि उदय तबे तुमर पूर्ण कृपा मानी। यदि आप हमारे हृदय में अर्थात वृंदावन में अपने चरण कमल का उदय कराते हैं, यदि आप वृंदावन में आते हैं, तभी हम मैं मानूंगी कि आपकी पूर्ण कृपा हम पर है। इस प्रार्थना में, श्लोक में ऐसा लग रहा है कि आपका चरण कमल हमारे मन में उदित हो, हम चाहे हम घर में रहें, घर गृहस्थी के काम में,
वह यथाश्रुत अर्थ ग्रहणीय नहीं है। वास्तव में श्री राधा रानी ये कहती हैं कि अनिर हृदय मन मोर मन वृंदावन, दूसरे का हृदय चित्त मन माना जाता है, लेकिन हमारा मन वास्तव में वृंदावन है, वृंदावन ही हमारा मन है। बने मन एक करी जाने, वन और मन को मैं एक जानती हूं, इसलिए आप कृपा करके अपने चरण कमल को अपने सुंदर स्वरूप को वृंदावन में लाइए। प्राणनाथ सुन मोर सत्य निवेदन, जो बहुत अच्छा से गाया जा सकता है लेकिन मैं तो गाना नहीं जानता हूं, कथा भी कहनी है। हे प्राणनाथ मेरा निवेदन सुनिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने प्रियतम जगन्नाथ जी के सामने गा रहे हैं राधा रानी के भाव में। प्राणनाथ सुन मोर सत्य निवेदन, ब्रज अमर सदन तहां तुमार संगम, ना पाइले ना रहे जीवन। ब्रज हमारा घर है और यदि ब्रज में वृंदावन में आपका संगम नहीं मिलेगा, आपका साथ नहीं मिलेगा, तो ना पाइले ना रहे जीवन, जीवन नहीं रहेगा, जीवित नहीं रह पाऊंगी। पूर्वे उद्धव द्वारे एवे साक्षाता मारे, आपने पूर्व में उद्धव जी के द्वारा और इस समय साक्षात सामने योग ज्ञाने कहिला उपाय, आप उपाय बताए, इसके पहले भगवान का भाषण है भागवत में, तो उद्धव जी के द्वारा पहले और आज साक्षात हमको योग ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं कैसे ध्यान करना चाहिए। तुम्हें विदग्ध कृपा माया जान हया मार हृदय मोर ये कहते ना जोया, आप विदग्ध हैं और कृपा माया है, आप हमारे हृदय को हमारे स्वभाव को पूरे पूरे जानते हैं और ऊपर से आप स्नेहमय हैं कृपामय हैं, इसलिए जान हमार हृदय, आप हमारे हृदय के भाव को जानते हैं। मोरे ऐसे कहते ना जुआ, मुझसे इस प्रकार नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ध्यान धरो योगासन करो, योग के द्वारा भगवान को देखो। चित्त का ही तोमा है ते विषय चाहे लगाए थे, हमको योग सिखाने की जरूरत नहीं है, हम तो बल्कि ये प्रयास करती हैं कि आपसे चित्त हटा करके घर के काम में लगे, इसके लिए हम उपाय चाहती हूं करना। वास्तव में अद्भुत बात है, एक पद में लिखा गया है श्रील रूप गोस्वामी पाद ने उसको पद्यावली में दिया है, एक कवि कहता है कि दुनिया में जितने भी साधु महात्मा हैं साधक हैं वे लोग विषयों से मन को हटा करके भगवान में लगाना चाहते हैं, धन्य है गोपियां जो कृष्ण से मन को हटा करके संसार में लगाना चाहते हैं लेकिन उनका मन हटता ही नहीं, कृष्ण हृदय में समाये रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को योग का उपदेश दिया जाए कि सब ओर से चित्तवृत्ति हटा करके कृष्ण में लगाओ, वो तो तंग आ जाती है कृष्ण में चित्त लगने से, घर का काम धंधा नहीं हो पाता है, उधर सास अलग डांटती है, उसका पति अलग डांटता है, क्या रात दिन कृष्ण के चिंतन में डूबी रहती है, कुछ काम धंधा करो घर का। तो गोपियां इसके लिए उपाय करती हैं। राधा रानी एक बार ललिताई से बात करती हैं, सखी कोई ऐसा योगी से भेंट करना चाहिए, ऐसे योगी से जो चित्त में बसी हुई वस्तु को बाहर निकालने का उपाय करे। कृष्ण इतना धसे हैं हृदय में कि इनके कारण कोई काम धंधा नहीं हो पाता है, इसलिए कृष्ण को भुलवाने का विस्मृत करने का योग सीखना चाहिए। उसी को राधा रानी कहती हैं कि चित्त काढ़ी तोमा है ते विषय चाहे लगाए ते, हम तो आपसे चित्त को हटा करके विषय में लगाना चाहते हैं, जतन करी नहीं काढ़ी बार, जत्न करके हार गई लेकिन चित्त को चित्त से आपको बाहर नहीं कर पाई। तारे ध्यान शिक्षा करा हा, लोक हंसाइया मारा, स्थान स्थान ना करो विचार। ऐसे लोगों को जो आपको चित्त से निकालना चाहते हैं उनको आप योग की शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे ध्यान करना चाहिए, लोक में हमारी हंसी करा रहे हैं,
स्थान और स्थान का विचार नहीं करते किसको क्या बात कहनी चाहिए, किसको क्या उपदेश करना चाहिए। नहीं गोपी जोगेश्वर पद कमल तोमार ध्यान करी पाई वे संतोष। गोपियां जोगेश्वर नहीं हैं कि आपके चरण कमल का ध्यान करके बस सुख पा जाएंगी, बोल मन में आपका छवि देखेंगे और इससे सुखी हो जाएंगे। नहीं 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 गोपी जोगेश्वर पद कमल तुम्हार ध्यान करी पाई वे संतोष। तुम्हार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटी नाटी सुनी गोपीर आगे बढ़े रोष। आपके वाक्य की जो परिपाटी है, बोलने की जो शैली है, यह कुटीनाटी से भरी है, कपट से भरी है। आपको ऐसे उपदेश नहीं करना चाहिए कि तुम लोग ध्यान धरो ध्यान धरो, अब चलिए वृंदावन, हमको ध्यान की आवश्यकता नहीं है, हम तो आपको मन से निकालना चाहती हैं, हम आपसे वृंदावन में विलास करना चाहते हैं, विहार करना चाहते हैं, आपके साथ नृत्य करना, भ्रमण करना, गीत गाना। तो आप ऐसी बात बोलते हैं तो हम गोपियों को क्रोध होता है। सुनी गोपी आरो बढ़े क्रोध और बढ़ता है। देह स्मृति नहीं जार संसार कूप कहां तार, तहा है तेना चाहे उद्धार। जिसको अपने देह की भी स्मृति नहीं है उसके लिए संसार कूप कहां है, तहा है तेना चाहे उद्धार, उससे क्यों उद्धार चाहेगा। सबसे कहां हम गिरी हैं, और राधा रानी कहती हैं, विरह समुद्र जले काम तिमिंगल गिले गोपी गणे नेह तार पार। हम आपके विरह के समुद्र में डूब रही हैं, और आपके प्रति जो ये प्रेम है हमारा, वह तिमिंगल की तरह हमको निगल रहा है, खा रहा है। तिमिंगल उस जानवर को कहते हैं, पानी के जानवर जो सौ जोजन वाले मछली को अपने गले में निगल जाए, तिमी कहते। सौ जोजन बड़ा होता है, 400 को 800 माइल लंबा, और उसी तरह से चावड़ा मत्स्य होता है, उसको भी जो निगल जाए उसको तिमिंगल कहते हैं। तो विरह समुद्र जले, हे प्रियतम, आपका ये जो विरह है भारी समुद्र की तरह है, और उसमें आपसे मिलने की जो हमारी लालसा है, आपसे हम जो प्रेम कर रहे हैं, वो तिमिंगल की तरह निगल रहा है। गोपी गणे नेह तार पार, आप इस समुद्र से हमको पार कीजिए, इस समुद्र विरह समुद्र से हमको पार कीजिए। बहुत काल तक हम विरह सहे, 100 वर्ष तक गोपियां विरह सही थी। भगवान जब ब्रज से गए तो उसके बाद 100 वर्षों के बाद मिले हुए हैं, इतना बड़ा। इसलिए राधा रानी कहती है, विरह समुद्र जल काम तिमि गिले गिले गोपी गणे नेह तार पार। वृंदावन गोवर्धन जमुना पुली नवन सेई कुंज रसदी कलीला सेई ब्रजर ब्रजजन माता पिता बंधु गण बड़ा चित्र के मने पाशरीला। क्या आपको याद नहीं आती है वृंदावन गोवर्धन जमुना जी का पुलीन और जमुना जी के दोनों तट पर वन सही कुंज रास आदि की लीला और वो कुंज और कुंजों में रास आदि की लीला सही ब्रजर ब्रजजन वही ब्रज के ब्रजजन आपके सखादि माता पिता बंधुगण बड़ा चित्र केमने पास लीला। बहुत भारी आश्चर्य हो रहा है प्रियतम कि आप कैसे भूल गए वृंदावन को गोवर्धन को जमुना पुलिन को वन को कुंजों को रासादी लीला को और ब्रजवासियों को माता जसोदा जी को श्री नंद बाबा को बंधुगण को बड़े चित्र के माने पास लीला। बड़ा चित्र आश्चर्य है कि आप भूल गए सबको। नागणी आपन दुख देखी ब्रजेश्वरी मुख। राधा रानी कहते हैं कि प्रियतम, हम जब माँ जसोदा का दुख देखती हैं तो अपना दुख भूल जाती हैं। अब सबको भूल गए, ठीक है हम लोगों से तो आपका कोई संबंध नहीं है, आप हमको भूल गए, लेकिन अपने माँ को कैसे भूल गए, कैसे किस्मत से। नगणी आपन दुख देखी ब्रजेश्वरी मुख
ब्रज जन हृदय विदरे किवा मार ब्रजवासी किया जियाव ब्रजे आसी के न जियाव दुख सही बारे सहाय बारे। या तो आप ब्रजवासियों को पूरा पूरा मार दीजिए, जान से खत्म हो जाए, अथवा जिलाना हो तो ठीक से आकर के जिलाइए, ब्रज में आएंगे तो लोग जिएंगे। किवा मारा ब्रजवासी किवा जियाओ ब्रजवासी, आप ब्रजवासियों को पूरा पूरा मार दीजिए अथवा ब्रज में आकर के उनको जीवित कीजिए। क्यों जिला रहे हैं दुख देने के लिए, दुख सहने के लिए क्यों जिला रहे हैं? पूरा पूरा मर जाना इससे अच्छा है। केना जिया व दुख सहाय बारे, दुख सहने के लिए क्यों जीवित रखे हैं? तुम्हारा जो अन्य वेश अन्य संग अन्य देश ब्रज जन कभू नहीं भाए, ये द्वारका से जो आप पोशाक पहन करके आए हैं ऐसे रथ पर, तो तुम्हारा जो अन्य वेश अन्य संग अन्य देश आपका अन्य संग मतलब अन्य लोगों के साथ रहना और अन्य देश ब्रज से बाहर मथुरा या द्वारका में रहना, ब्रज जन कभू नहीं भाए, ये ब्रजवासियों को कभी अच्छा नहीं लगता। आपका तो वही मोर पंख का आभूषण गुंजाहार पीताम्बर बांसुरी यही हम सब देखना चाहते हैं या ब्रज के सभी लोग। तुम्हारा जो अन्य वेश अन्य संग अन्य देश ब्रज जने कभू नहीं भाए, ब्रज भूमि छाड़ते नारे तुम्हारा ना देखिले मरे, ब्रज जनर की हवे उपाय। मान लीजिए अगर भगवान कहें कि जब हमसे प्रेम है तो ब्रज छोड़ करके क्यों नहीं आ जाती हो हमारे पास, तब राधा रानी कहते ब्रज भूमि छाड़ते नारे तुमा ना देखते मरे, मैं ही नहीं कोई भी ब्रजवासी ब्रज को नहीं छोड़ सकता। ब्रज भूमि छाड़ते नारे तुमा ना देखिले मरे, एक तो ब्रज छूटता नहीं है और आप ब्रज में नहीं हैं तो आपको न देख करके सब मरते रहते हैं। ब्रज जनर की हवे उपाय, और ब्रजवासियों के लिए क्या उपाय किया जाए? क्यों ब्रज में पड़े रहते हैं? क्योंकि ब्रज में वृंदावन में जिस भेष में जिस भाव में कृष्ण के साथ ब्रजवासी मिले हैं और दूसरी जगह वो भाव नहीं आता है, तो इसी आशा में ब्रज में पड़े रहते हैं कि यह कृष्ण का अपना घर है अपना आवास है, वो यहीं आएंगे आएंगे आएंगे, इसलिए ब्रज छोड़कर जा भी नहीं सकते और आपके दर्शन के बिना उन्हें मरना पड़ रहा है विरह में। तो ब्रज जनर की हवे उपाय, तुम्हें ब्रजर जीवन ब्रज राजर प्राण धन तुम्हें ब्रजर सकल संपद कृपार्द्र तुमार मन आशी जियाओ ब्रज जन ब्रज उदय कराओ निज पद। आप ब्रज के जीवन हैं, ब्रजराज के प्राण धन है, नंद बाबा के प्राण धन है, तुम्हें ब्रजर सकल संपद आप ब्रज की पूर्ण संपत्ति है और आपका मन कृपार्द्र रहता है, कृपार्द्र तुम्हार मन स्नेह से आपका मन भरा रहता है, आशी जियाओ ब्रजन आप आकर के ब्रजवासियों को जिलाइए जीवित रखिए, ब्रजे उदय कराओ निज पद, आप अपना चरण कमल ब्रज में उदित कराइए, चलिए आप। सुनिया राधिका वाणी ब्रज प्रेम मने आनी भावे व्याकुलित देह मन, ब्रज लोकेर प्रेम सुनी अपना के ऋणी मानी करे कृष्ण तारे आश्वास। राधिका की ये वाणी सुनकर ब्रज प्रेम उमड़ गया भगवान कृष्ण में, भावे व्याकुलित देहमान, कुरुक्षेत्र में मिलन की बात हुई, भाव में व्याकुलित देह और मन हो गया, ब्रज लोगों के प्रेम को सुनकर और अपने को ऋणी मानकर करे कृष्ण तारे आश्वासन। राधा रानी को समझाते हैं, प्राण प्रिय सुन मोर ये सत्य वचन तुमा सबार स्मरणे झुरम रात्रि दिने मोर दुख न जाने कौन जान। हे प्राण प्रिय बिल्कुल सत्य वचन बोल रहा हूं सुनो,
तुम सबका स्मरण करके मैं रात दिन मरता रहता हूं, मैं आ नहीं पाता हूं, उसमें कारण है, लेकिन मन में तुम्हारा ही स्मरण रहता है, ब्रजवासियों का रहता है। मोर दुख न जाने कौन जान, मेरे दुख को कोई नहीं जानता है, मैं कितना दुखी हूं वृंदावन से बाहर आकर के, ये दूसरे लोग नहीं जानते हैं, मैं इसका अनुभव करता हूं। ब्रजवासी जत जन माता पिता सखागण सबे है मोर प्राण सन, जितने भी ब्रजवासी हैं, गौए या मयूर आदि तथा माता पिता सखा और सब बंधुगण, सबे है मोर प्राण सन, ये सभी मेरे लिए प्राण के समान प्रिय हैं। तार मध्य गोपीगण साक्षात मोर जीवन, तुम्ही मोर जीवन र जीवन, और उसमें भी जो गोपियां हैं मेरी प्रियाएं, वो साक्षात मेरा जीवन है, और तुम तो जीवन की भी जीवन हो, राधा रानी को कहो तुम्हारे प्राण के भी प्राण, तुम्ही मोर जीवन र जीवन, तुम्हार सबार प्रेम रसे आमा के करील बसे, आमी तुम्हार अधीन केवल, तुम्हारा प्रेम, तुम सबका प्रेम रस मुझको अपने वश में कर लिया है, आमी तुम्हार अधीन केवल, प्रिय मैं तुम्हारे वश में हूं, तुम्हार सबर छड़ाइया आमा दूर देशे लैया, राखी अच्छे दुर्दैव परवल, लेकिन मेरा ऐसा दुर्दैव है, मेरा ऐसा प्रारब्ध है कि तुम सबसे संग छुड़ा करके हमको दूर देश में ला दिया, मेरा कर्म ला दिया, मैं चाहता हूं कि मैं ब्रज में आऊं वृंदावन में आऊं, लेकिन प्रिया प्रिय संग ही ना, प्रिय प्रिय संग बिना नहीं जिए, ये सत्य वचन प्रमाण, यह सत्य है कि कोई प्रिया अपने प्रियतम के संग के बिना नहीं जी सकती है, और प्रिय प्रियतम अपनी प्रिया के संग के बिना नहीं जी सकता, ये सत्य बात है। लेकिन मोर दशा सोने जबे तार यही दशा हवे, यही भय दुखे राखे प्राण, दुहे राखे प्राण, लेकिन मोर दशा सोने जबे वो क्यों जीवित रहता है, तुम क्यों जीवित हो और मैं क्यों जीवित हूं, क्योंकि अगर तुम मेरी अगर मेरी दशा को मेरी प्रिया सुन ले, या प्रिया सोच रही हो कि मेरी दशा को प्रियतम सुन ले, तो मोर दशा सोने जबे तार यही दशा हवे, यही दशा हो जाएगी, ये दशा होगी कि अगर प्रिय सुने कि हमारी प्रिया शरीर छोड़ दे, और प्रिया यदि सोचे कि हमारे प्रियतम शरीर छोड़ दिए, तो अगर एक सुन अगर प्रिया सुनेगी कि हमारे प्रियतम शरीर छोड़ दिए, तो वह भी दुर्दशा हो जाएगी, शरीर छोड़ देगी, और प्रिया और प्रियतम भी शरीर छोड़ देगा, इसी भय से दोनों प्राण रखते हैं कि हमारी हमारी हमारे दुख का दिन या हमारा मरण हमारी प्रिया न सुन ले, नहीं तो वो भी शरीर छोड़ देगी और प्रिय भी शरीर छोड़ देगा उसकी बात सुनकर के। इसीलिए प्रिय देखो सही शक्ति प्रिय प्रेमवती प्रेमवान सही पति, वही प्रिया वास्तव में प्रेमवती सती है, और वही प्रियतम वास्तविक प्रेमवान है। बिजोगे जे वांछे प्रिय हित, बिजोग होने पर भी अपने प्रिय का ही हित सोचे हमेशा, कैसे मेरी प्रिया सुख से रहेगी, और प्रिया सोचे हमारे प्रियतम कैसे सुख से रहेंगे। नगण अपन दुख सबे वांछे प्रिय जन सुख, वो अपने दुख पर विचार नहीं करते हैं, न तो प्रिया विचार करती है न प्रियतम विचार करते हैं। वांछे प्रिय जन सुख, अपने प्रिय का ही सुख चाहते हैं, सही दुई मिले अच्छी रातें, और ऐसा होने पर भगवान की कृपा से वे शीघ्र ही मिलते हैं। राखी ते तुम्हार जीवन सेनी आमी नारायण, प्रिय ऊपर भगवान का मैं सत्य वचन बोलता हूं, मैं प्रतिदिन भगवान नारायण की पूजा करता हूं, और पूजा का फल यही मानता हूं कि हमारी राधिका जीवित रहे सुखी रहे। राखीते तुम्हार जीवन सेवी आमी नारायण तार सबसे आशी नीति नीति, और मैं भगवान नारायण की कृपा से रोज रोज प्रतिदिन तुम्हारे पास आता हूं वृंदावन में, लेकिन तुम उसे स्फूर्णा मानती हो, तुम्हार सने क्रीड़ा करी नीति जाई जदूपुरी तहा तुम्हें मान हमर स्फूर्ति,
मैं तुम्हारे साथ वृंदावन में क्रीड़ा करके नृत्य गीत आदि करके नित्य जदुपुरी आ जाता हूं, लेकिन तुम उसको स्फूर्णा मात्र मानती हो और मैं वास्तव में आता हूं। ऊपर भगवान ने कहा मैं सत्य वचन बोल रहा हूं, तहां तुम्हें माना हो मोर स्फूर्ति, तुम ये समझती हो कि ऐसे स्फूर्णा हो रही है, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास रोज आता हूं। मोर भाग्य मो विषय, तुम्हारा जो प्रेम है मेरा बहुत बड़ा भाग्य है राधा रानी, तुम इतना मुझसे प्रेम करती हो, मेरा भाग्य है। मोर भाग्य मो विषय, तुम्हारा जो प्रेम है सही प्रेम परम प्रबल, वह प्रेम बहुत प्रबल है तुम्हारा, लुकाई या आमाया ने संग कराए तुम्हारे प्रकटे जानी बेसत्व, वह तुम्हारा प्रेम छिपा करके हमको लाता है वृंदावन में और तुम्हारे साथ संग कराता है, तुम्हारा संपर्क देता है और प्रकट आनिवेशत, और वह तुम्हारा प्रेम प्रकट में मुझको लाएगा, जल्दी से जल्दी लाएगा, अर्थात मैं वृंदावन में आऊंगा। जादव एर विपक्ष जत दुष्ट कंस पक्ष तहा यानी कैनु सब क्षय, यू भगवान नारायण की कृपा से और तुम्हारे प्रेम के बल से, तुम्हारे पतिव्रत धर्म से, मैं जादवों के जो विपक्ष के हैं उनका लगभग क्षय कर दिया हूं, जो कंस के पक्ष के हैं राजा लोग उनका मैंने वध कर दिया। तहा यानी कैनु सब क्षय, आछे दुई चार जन तहा मारी वृंदावन आयला मामी जानी है निश्चय, और दो चार और बचे हुए हैं तो मैं उन लोगों को मार करके उनका वध करके भगवान की कृपा से और आइला आमी जानी है निश्चय, यही समझो कि मैं वृंदावन आ गया, बस बहुत लोगों को भगवान की कृपा से मैं मार दिया, अब दो चार बच्चे हैं उनको मार करके अब मैं वृंदावन आने वाला हूं, आ गया हूं यही तुम समझो। सही भक्त गण है ते ब्रज जन राखिते रही राज्य उदासीन हैया, जेवा स्त्री पुत्र धने करी राज आवरण जदु गणे संतोष लागिया। मैं वृंदावन के वासियों को अपने शत्रुओं के हमलों से बचाना चाहता हूं, वृंदावन वासियों पर ये शत्रु हमला न करें, मथुरा से द्वारका से इधर उधर से दूर दूर से, तो सह भक्त गण है ते ब्रज जन बचाई थे, सही भक्त गण रही राज्य उदासीन है यार, तो मैं राज्य पर रह रहा हूं लेकिन उदासीन रह करके रह रहा हूं कि ये लोग है कोई शत्रु इधर न चढ़ाई करे, जेवा स्त्री पुत्र धने करी राज्य आवरण जदु गणे संतोष, और मैं जो स्त्री पुत्र धन आदि दिखा रहा हूं और राज्य ये सब आवरण करके मैं हूं, लेकिन प्रिय मैं दिन रात वृंदावन का स्मरण करके मरता रहता हूं, आना चाहता हूं, केवल जादवों के संतोष के लिए मैं विवाह किया हूं या पुत्र धन आदि संग्रह किया हूं, हमारा मन उसमें बिल्कुल नहीं लगता। तुम्हारा जो प्रेम गुण करे आमा आकर्षण आनी बे आमा दिन दस विशेष, तुम्हारा प्रेम का गुण है, प्रेम का बंधन हमें तुरंत खींच करके लाएगा, बस 10-20 दिन और प्रतीक्षा करो, मैं आ ही चुका हूं, आनी व्याम दिन 10-20 है, पुनः आशी वृंदावन ब्रजवधु तुम्हारे में बिलसी व रजनी दिवस, मैं फिर से वृंदावन आऊंगा और आकर के तुम ब्रजवधुओं के साथ मैं रात्रि दिन विलास करूंगा, विहार करूंगा। एतत् तारे कही कृष्ण ब्रजे जायते सतृष्ण, एक श्लोक पढ़ी सुनाई ला, से श्लोक सुनी राधा खंडी ला सकल बाधा कृष्ण प्राप्ति प्रतीत हई। यह कहकर के कृष्ण ब्रज में जाने के लिए सतृष्ण हो गए और एक श्लोक पढ़कर सुनाने लगे, इस श्लोक को राधा रानी सुनकर के बहुत खुशी हुई, बहुत उनको खुशी हुई, सकल बाधा चली गई और कृष्ण आएंगे वृंदावन ये विश्वास हो गया। मयि भक्तिर्भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते दृष्ट्या जदासीन मत्स्नेहो भवती नाम मदापनः। एहि सब अर्थ प्रभु स्वरूपे रसने रात्रि दिने घरे बसी करे आस्वादने
नृत्य काले सही भावे आविष्ट हैया, श्लोक पढ़ी नाचे जगन्नाथ मुख चाहिया। इस प्रकार नृत्य के समय चैतन्य महाप्रभु इस भाव में होकर के श्लोक पढ़ रहे थे और जगन्नाथ जी के मुख पर बार बार देख रहे थे। स्वरूप गोसाई भाग्य न जय वर्णन, प्रभुते आविष्ट जार का है वाक्य मन। स्वरूप गोसाई के, स्वरूप दामोदर जी के भाग्य को कहा नहीं जा सकता, प्रभु में ही उनका शरीर वाक और मन आविष्ट था। किसी भी भाव को तुरंत जान जाते, स्वरूप इंद्रिय प्रभु निज इंद्रिय गण आविष्ट है यह करे गान अस्वदन। स्वरूप दामोदर जी के इंद्रिय में भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी इंद्रियों को करके आविष्कार गान का स्वादन करते थे। स्वरूप दामोदर जी गा रहे हैं तो लगता था चैतन्य महाप्रभु ही गा रहे हैं या सुन रहे हैं, इस तरह से आस्वादन करते थे। भावे आवेश कभू भूमि ते वसिया, तर्जनी ते भूमि लिखे अधोमुख हैया। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु भाव के आवेश में वियोगिनी गोपी के भाव में बैठ जाते थे जमीन पर और अपने तर्जनी से जमीन पर लिखते थे। तर्जनी ते भूमि लिखे अधोमुख हैया से विरह में लगता था कोई स्त्री ऐसे बैठ करके और लिख रही हो, इस भाव में हो जाते थे। अंगुलित छत बेजानी दामोदर, भवे निज करे निवारय प्रभु कर, भय भय निज करे निवारय प्रभु। तो स्वरूप दामोदर जी जानते थे लिखने में अंगुली छत हो जाएगी तो तुरंत हटा लेते थे और ये कहकर अरे सखी धीरज रखो प्रियतम आएंगे और हटा लेते थे। यह कहकर के नहीं हटाते थे कि प्रभु आप क्या कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के भाव को पूरा पूरा वो समझते थे। अगर वे राधा रानी के भाव में विरह में हैं तो तुरंत ही ललिता जी के रूप में हो, ललिता जी के भाव से मना करते थे। अंगुलित छत हवे जानी दामोदर, भय निज करे निवारय प्रभु कर, प्रभुर भावानुरूप स्वरूपेर गान, जबे जय रस तह करे मूर्तिमान। महाप्रभु के भाव के अनुसार स्वरूप दामोदर गान करते थे, उनका गान मूर्तिमान रस उपस्थित कर देता था। श्री जगन्नाथ देखे श्रीमुख कमल, तहारा ऊपर सुंदर नयन जुगल। श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कभी कभी चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, आंख खोल करके अपलक नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। श्री जगन्नाथ देखे श्रीमुख कमल, तहारा ऊपर सुंदर नयन जुगल। भगवान चैतन्य महाप्रभु भाव से जगन्नाथ जी को देख रहे हैं तो उनको जगन्नाथ जी का जो ये रूप है जिसको कोई अभक्त नहीं समझ सकता है, ये चैतन्य महाप्रभु नहीं देखते थे। उनको बांसुरी बजाते हुए कृष्ण दिखाई देते थे जगन्नाथ जी के रूप में, यही सदा देखते थे। तो सूर्यरा किरण मुख करे झलमल, सूर्यरा किरण मुख करे झलमल। सूर्य का प्रकाश पड़ने से रथ पर मुख और झलमल कर रहा था, चमक रहा था। और माल्य वस्त्र दिव्य अलंकार परिमल, माला वस्त्र और दिव्य अलंकार तथा सुगंध, ये सब बहुत अनुभव में आ रहे थे। प्रभु राय हृदय आनंद सिंधु उथलीला, उन्माद झंझावा तत्क्षण उठिला। प्रभु के हृदय में इतना आनंद का समुद्र उच्छलित हुआ कि उन्माद का झंझावात आ गया, तूफान आ गया। भाव इतना उठा जगन्नाथ जी के प्रति, कृष्ण के प्रति, कि उन्माद का झंझावात आ गया। भाव उसको समुद्र कहा गया है, आनंद सिंधु, आनंद सिंधु संयोग की भावना करके उसमें जो उन्माद हुआ, दिव्य उन्माद, वो झंझावात की तरह उठा। आनंदोन्मादे उठाए भावे रतरंग, नाना भावे सैन्य उपजील युद्ध रंग। आनंद के उन्माद में भाव के तरंग उठने लगे और अनेक प्रकार के भाव आपस में भाव का युद्ध होने लगा। युद्ध का मतलब यह है कि कभी ये भाव उठ रहा है, कभी वो भाव उठ रहा है, एक साथ सारे भाव उठने लगे। भावोदय, भाव शांति, संधि साबल्य, संचारी सात्विक अस्थायी, स्वभाव प्राबल्य, स्वभाव प्राबल। कभी कभी भाव का पूरा पूरा उदय, कभी भाव की शांति, कभी संधि, दो भाव एक साथ जुड़ जाते थे, कभी साबल्य,
और कभी भाव शिथिल होते थे बढ़ते थे, संचारी भाव, सात्विक विकार आदि सब उठ रहे थे रथ यात्रा में। प्रभुरा शरीर जेन शुद्ध हिमाचल, भाव पुष्प क्रमता है पुष्पित असकल। भगवान चैतन्य महाप्रभु का शरीर ऐसा था लगता था शुद्ध सोने का पर्वत है और उस पर्वत में भाव के पुष्प क्रम से खिल रहे थे। उस दिव्य श्री विग्रह में चैतन्य महाप्रभु के अनेक भाव आ रहे थे कई प्रकार के, और इस समय ध्यान रखना चाहिए सब आनंद समुद्र में भाव उठ रहे हैं। यस आनंद शुद्ध हिमाचल, चैतन्य महाप्रभु का शरीर स्वर्ण पर्वत जैसा। देखिते आकर्षय सब चित्तमन, प्रेमामृत वृष्टि प्रभु सींचे सबार मन। चैतन्य महाप्रभु के उस दशा को देखकर भावों के उद्गम उनके शरीर में हो रहे थे, तो सबका चित्त मन आकर्षित हो रहा था और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सबको भाव समुद्र में डाल दिया, सबको सींच दिया इस प्रेम से। जगन्नाथ सेवक जत राज पात्र गण, यात्री कलोक नीला चलवासी जत जन। जितने भी जगन्नाथ जी के सेवक थे वहां जो रथ पर आज पर सेवा कर रहे थे, और राजा के जितने भी कर्मचारी थे और जितने यात्रिक लोग उस रथ यात्रा में आए थे, और नीलाचलवासी जत जन जितने भी नीलाचल में स्थायी वास करने वाले लोग थे, रथ यात्रा के समय प्रभु नृत्य प्रेम देखी है चमत्कार, कृष्ण प्रेम उच्छल हृदय सवार। भगवान चैतन्य महाप्रभु के नृत्य और प्रेम को देखकर सबको चमत्कार हो रहा था और सबके हृदय में कृष्ण प्रेम उछल गया। चैतन्य महाप्रभु के इस प्रेम भाव के को देख करके सबके हृदय में जगन्नाथ जी के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम उछल गया। प्रेमे नाचे गाए लोक करे कोलाहल, प्रभु नृत्य देखी सबे आनंदे बिहवल। सब नाच रहे थे, गा रहे थे, कोलाहल कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। प्रभु नृत्य देखी सबे आनंद बिहवल, चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर सभी आनंद में बिहवल हो गए। अनेरा की कथा अनेरा की काय जगन्नाथ हलधर, अरे अन्य की बात क्या है, जगन्नाथ जी और बलराम प्रभु नृत्य देखी सुखे चलीला मंथर। चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर बहुत मंद गति से चल रहे थे, वो सोचते थे कि जल्दी चले जाएंगे तो देखने को नहीं मिलेगा चैतन्य महाप्रभु का नृत्य, इसलिए वो लोग रथ को धीरे धीरे चलने दे रहे। कभू सुखे नृत्य रंग देखे रथ राखी, से कौतुक जे देखिले से ही तार साक्ष। कभी कभी जगन्नाथ जी और श्री बलराम जी रथ को रोक करके नृत्य देख रहे थे, वो कौतुक देख रहे थे। उस कौतुक को, उस उत्सव को जिन लोगों ने देखा है जगन्नाथ जी को किस तरह रथ रोक रहे थे और कैसे देख रहे थे, वही उसके साक्षी। हम क्या बताएं, जो उसको देखे हैं वही साक्षी। ऐ मत प्रभु नृत्य करिते भ्रमिते, प्रताप रुद्रेर आगे लागिला पड़िते। इस तरह नाच करते हुए करते हुए तब तक तो महाराज प्रताप रुद्र के सामने गिरे, गिरने गिरने हुए तब तक तो महाराज प्रताप रुद्र उनको पकड़ करके और थाम ली, जबकि उनको देखना और छूना भी चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं था। बाहर से इतना तड़क भड़क करते थे। ऐ मत प्रभु नृत्य करिते भ्रमिते, प्रताप रुद्रे आगे लागिला पड़िते। उनके झाड़ू देने की सेवा से भगवान प्रसन्न हो चुके थे, तो उनके सामने लागिला पड़िते गिरने गिरने हो रहे थे। तब तो संभ्रमे प्रताप रुद्र प्रभु के धारिला, तहा के देखिते प्रभु बाह्य ज्ञान हैला। उन्होंने पकड़ लिया चैतन्य महाप्रभु को, गिरने नहीं दिए। तो चैतन्य महाप्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ तो राजा को देखे कि राजा हमें पकड़ा है। राजा देखे महाप्रभु करे न धिक्का, छी छी विषय स्पर्श हैला हमार। तो चैतन्य महाप्रभु राजा को देखकर कह रही बाप धिक्कार है, मैं विषय का स्पर्श कर दिया। विषय का अर्थ राज होता है और विषय मैंने राजा, मैं विषय का स्पर्श कर दिया, छी छी। आवेश नित्यानंद न हैला सावधाने, काशीश्वर गोविंद अछिला न स्थाने। उस समय चैतन्य महाप्रभु को भूमि पर गिरने से रोकने का काम नित्यानंद प्रभु का था,
वो न गिरने दे। और काशीश्वर और गोविंद जो भगवान के सेवक थे, गोविंद और काशीश्वर, ये सब पीछे इधर उधर पड़ गए थे नाचने में गाने में, कोई ध्यान नहीं रखा। और चैतन्य महाप्रभु गिरने के में हो गए तो महाराज प्रताप विरुद्ध उनको पकड़ लिया। ये नित्यानंद प्रभु का काम था पकड़ना, लेकिन वो नाचने में मस्त थे। ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है, वो चाहते थे महाराज प्रताप रुद्र को अपना स्पर्श देना, लेकिन ऊपर से बनाकर कहते छी छी विषय स्पर्श हो ला हमार छी छी विषय का स्पर्श हो गए। यद्यपि राजा देखी हरिर सेवान, राजा की झाड़ू देने की सेवा को भगवान ने देखा था चैतन्य महाप्रभु ने, इसीलिए प्रसन्न हैया के तारे मिली बार मन, प्रसन्न होकर के उन्हें मिलने की इच्छा हो रही थी। तो एक बहाना किया उन्होंने रथ यात्रा में उनके सामने गिरने का बहाना कर किए भी उनका मन द्रवित हो गया था, राजा से मिलना चाहते थे और मिल गए तो उसके बाद कहते छी छी सही का स्पर्श हो गया। तथापि आपन गणे करते सावधान, बाह्य की चुरोसा भास कैला भगवान। तो प्रश्न होता है कि जब प्रेम था महाराज प्रताप रुद्र के प्रति और उनको अपना आलिंगन या उनके आलिंगन में आना चाहते थे, आलिंगन देना चाहते थे, तो फिर ऐसा क्रोध क्यों किए, अपने को धिकारे क्यों? तो कहते तथापि आपन गणे करते सावधान, अपने भक्तों को सावधान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु नाट्य, कभी भी राजा से भेंट नहीं करना चाहिए विरक्त व्यक्ति को, क्योंकि राजा के वेशभूषा को देखकर, उसके रथ को कार को देखकर के, या घर को सबको, उसके पुत्र को सबको, कहीं सन्यासी के मन में ये न हो जाए मुझे भी ऐसा ही सुख मिलता तो अच्छा है। तो जो राजा स्वयं ही अगर उसको बुला रहा है तो कोई भी फैसिलिटी दे सकता है, तो उससे विरक्त व्यक्ति का मन विषयों में अविष्ट हो जाता है, वो भगवान को भूल जाता है। तो अपने भक्तों को सावधान करने के लिए बाह्य किछु रोषाभास कैला भगवान, भगवान ने थोड़ा रोषाभास किया, वो रोष नहीं था, क्रोध नहीं था, रोषाभास था। प्रभुर वचने राजार मने हैला भय, सार कहे तुम्हें न कर संसार। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा राजा का स्पर्श के बाद छी छी विषय का स्पर्श हो गया, तो महाराज प्रताप रुद्र को तो बहुत भय हुआ, ये कभी मुझे स्वीकार नहीं करेगा, मुझ पर कृपा कभी नहीं करेंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य से कह रहे थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा तुम ही ना करो संसार, आप संशय में मत पड़िए, आप पर कृपा हो चुकी है आप संशय मत कीजिए। तुम्हारा ऊपरे प्रभु सुप्रसन्न मन, तुम्हारा लक्ष्य करी सिखाए न निज गण, वो आपके बहाने अपने भक्तों को सिखा रहे हैं कि राजा से भेंट नहीं करना चाहिए, बाकी आप पर बहुत उनका मन प्रसन्न है। अवसर जानी आमी करीब निवेदन, सही काले जाई करी है प्रभु रा मिलन, एक अवसर पा करके मैं आपको कहूंगा कि आप जाइए भेंट कीजिए चैतन्य महाप्रभु से, आइए और आप जाइएगा निधड़क, वो प्रेम करेंगे, बोलेंगे नहीं दूसरी बार। तबे महाप्रभु रथ प्रदक्षिण करिया, रथ पाछे जाई देखे रथ ठेले रथे माथा दिया। तो चैतन्य महाप्रभु भाग गए राजा के डर से, बाह्य रूप से राजा जहां है उसके आदमी है, तो छू दिया राजा हमको, तो भाग गए रथ के पीछे चले गए, रथ के पीछे जाकर के अपने माथा से रथ ठेल रहे थे रथ में धक्का दे रहे थे। रथ पाछे आई ठेले रथ माथा दिया, ठेली तेछे चलिले रथ हड़ हड़ करी, चतुर्दिक लोक सब बोले हरी हरी तो रथ धीरे धीरे चल रहा था आगे नृत्य देखने के लिए चैतन्य महाप्रभु का, लेकिन जब वो चले गए पीछे पीछे जा करके उन्होंने ये भाव व्यक्त किया कि रथ को जल्दी चलाना चाहिए, तो रथ हड़ हड़ करके चला बहुत तेज गति से चला, और भगवान भी चलने लगे जगन्नाथ जी, क्योंकि वो पीछे चले गए थे चैतन्य महाप्रभु, तो तेज चले। चतुर्दी के लोग सब बोले हरी हरी हरी, तबे प्रभु निज भक्त गण लैया संगे, बलदेव सुभद्रा आगे नृत्य करे रंगे।
तब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर बलदेव और सुभद्रा जी के आगे उनके रथ के आगे नृत्य करने लगे। तहां नृत्य करी जगन्नाथ आगे आईला, जगन्नाथ देखी नृत्य करी ते लागीला। उसके बाद जगन्नाथ जी के पास आए आगे और जगन्नाथ को देख करके नृत्य करने लगे। चलिया आईल रथ बलगंडी स्थाने जगन्नाथ रथ राखी देख के दाहिने बाने। बलगंडी प्रसिद्ध स्थान है ना, जहां पर सब लोग भोग लगाते हैं भगवान को चारों तरफ जहां तहां चक्र को देखकर। तो वहां बलगंडी स्थान में जगन्नाथ जी आ गए। तो जगन्नाथ रथ राखी, जगन्नाथ जी रथ खड़ा कर लिया अपना और देखे दाहिने बाम, दाहिने बाम में, दक्षिण में और बाम में देखने लगे, दोनों तरफ देख रहे। बामे भी प्रशासन नारी के लवन, दाहिने तो पुष्पोद्यान जैन वृंदावन। बाम भाग में भी प्रशासन नाम का बगीचा था और नारिकेल का वन, और दाहिने में बाम ऐसा दाहिने में पुष्प उद्यान था, देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वृंदावन है। आगे नृत्य करे गौर लैया भक्तगण, रथ राखी जगन्नाथ करे दर्शन। तो रथ के आगे चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर नाच रहे थे, जगन्नाथ जी रथ पूरा पूरा खड़ा करके दर्शन कर रहे थे। से स्थल भोग लागे अक्षय नियम, कोटि भोग जगन्नाथ करे आस्वादन। उस स्थान पर नियम है, भगवान को भोग लगता है, अक्षय नियम है, कोटि भोग जगन्नाथ करे आस्वादन। कोटि भोग जगन्नाथ जी खाते हैं और जो जहां रहता है चक्र को देख, चक्र जहां से दिखाई पड़ता है वहीं से भोग लगाया जाता है, उसको बलगंडी भोग कहते हैं। वहां से कोटि कोटि भोग लगता है। जगन्नाथ छोट बड़ जत भक्तगण, निज निज उत्तम भोग करे समर्पण। कोई जरूर नहीं कि रथ के पास ही ला करके सब लगाते हैं भोग, जितने भी भक्त हैं जगन्नाथ जी से प्रेम करते हैं सब अपने अपने स्थान पर भोग लगाते हैं, चाहे ला करके सामने लगाते हैं। राजा राज महिषी वृंद पात्र मित्रगण, नीलाचल वासी जत छोट बड़ जन, नाना देशेर देशी जत जात्रिक जन निज निज भोग तह करे समर्पण। तो उस देश के राजा महाराज प्रताप रुद्र और राजा की रानियां और उनके सचिव, उनके मित्र आदि, और नीलाचल में रहने वाले छोट बड़ जो भी जन है, और अनेक देशों से मतलब भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जितने भी यात्री आते हैं वहां, अपना अपना भोग भगवान को समर्पित करते हैं। छोटा भक्त है तो छोटा भोग लगाता है, बड़ा है राजा तो राजा जैसा लगाता है, ये सब लोग जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करते हैं। आगे पाछे दुई पार्श्वे पुष्पोद्यान बने, जेई जहां पाय लगाए नहीं कन्या में। तो जगन्नाथ जी को भोग चाहे पीछे से, आगे से, या उद्यान में से, अपने घर में से, जहां भी जो अवसर पाता है, जहां से भी चक्र दिखाई पड़ता है वहां पर भोग लगा सकते हैं। वैसे बगीचा दाएं बाएं सब भर जाता है, तो कोशिश करते हैं कि हम निकट जाकर भोग लगा रहे, लेकिन निकट का मतलब वो बहुत दूर में बगीचा, रोड बाएं दाएं और अपना घर, अपना छत, जो भी है जहां भी है सब भोग लगाते हैं। भोगेरा समय लोकेर महाभीड़ हैला, नृत्य छाड़ी महाप्रभु उप बने गेला। भोग के समय महाभीड़ हो गया, महाभीड़ हैला, नृत्य छाड़ी महाप्रभु उप बने गेला। तो नृत्य छोड़ करके जब भोग लग गया, जगह नहीं मिला, तो चैतन्य महाप्रभु नाचना छोड़ करके वहां उपवन में गए। प्रेमावेश महाप्रभु उपवन पाइया, पुष्पोद्यान गृह पिंडाए रही लपड़िया। उपवन में जाकर के एक उसमें घर था, घर के बाहर एक चबूतरा बना हुआ था, तो वहां चैतन्य महाप्रभु रही लपड़िया। अब ये भगवान दिखा रहे हैं कि वो आराम कर रहे हैं, रथ में नाचते नाचते थक गए हैं, बलगंडी भोग लगा है, कुछ देर तक जगन्नाथ जी भी खाएंगे, तो लोग भोग लगा रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु भी विश्राम करने के लिए बगीचे में आ गए। नृत्य परिश्रमे प्रभु देह घन घर में
सुगंधि शीतल वायु करे न सेवन। नृत्य के परिश्रम से चैतन्य महाप्रभु के स्पिरिचुअल श्री विग्रह में घना घर में आ गया था, पसीना आ रहा था, तो इसलिए वो सुगंधी और शीतल वायु का सेवन कर रहे थे। जत भक्त कीर्तनिया आसिया आराने प्रतिवृक्ष तले सब करे न विश्राम। जितने कीर्तनिया थे नाचने वाले भगवान के साथ, सब तो थके थे, जब वो विश्राम करने लगे तो वो लोग भी बगीचे में जहां तहां वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। अभी जगन्नाथ जी रथ पर है, खा रहा है, जब सब विश्राम करने लगे। ऐ त कहिल प्रभुर महासंकीर्तन, जगन्नाथ आगे जैसे करिला नर्तन, रथागे ते प्रभु ऐसे करिला नर्तन, चैतन्याष्ट के रूप गोसाई करें वर्णन। जैसे रथ के आगे भगवान चैतन्य महाप्रभु नाचे थे, रूप गोस्वामी पाद ने डायरेक्ट अपने आंखों से देख करके इसका इस तरह वर्णन किया। रथारूढ़स्यारा दधि पदवी नीला चलपते है, अदभ्र प्रेमोर्मी स्फुरित नटनोल्लास विवश, सहर्षं गायद्भिः परिवृत तनुर्वैष्णव जनहि, स चैतन्य किं मे पुनरपि दृशो जास्यति पदम्। जो रथारूढ़ है नीलाचल पति के आगे, जगन्नाथ जी के आगे, उनके प्रेम में की तरंगों से बाधित होकर जो नाच रहे थे, नटन के उल्लास में विवश थे, और सहर्ष गाने वाले वैष्णवों से घिरे हुए चैतन्य महाप्रभु प्रेम विकार से परिपूरित हो रहे थे, क्या चैतन्य महाप्रभु पुनः हमारे आंखों के पद में आएंगे, क्या दर्शन होगा चैतन्य महाप्रभु। इहा जई सुने सई शिव चैतन्य पाए, सुदृढ़ विश्वास सह प्रेम भक्ति है। इस कथा को रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु से स्मृत को जो सुनेगा उसे चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे। यह श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी का आशीर्वाद। यह जय सुने सही श्री चैतन्य पाए, सुदृढ़ विश्वास सह प्रेम भक्ति है, उसमें प्रेम भक्ति उत्पन्न होती है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार्यास, चैतन्य चरतामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में जिसकी अचल आशा है, ऐसा कृष्णदास चैतन्य चरतामृत कह रहा है, मतलब उनकी कृपा से कह रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गौरः पश्यन्नात्मवृन्दहे श्रीलक्ष्मी विजयोत्सवम्, श्रुत्वा गोपीरसोल्लासं हृष्टः प्रेम्णा नमर्तसः। सुनिए अब चैतन्य महाप्रभु से महाराज प्रताप रुद्र कैसे मिलते हैं। जय जय गौरचंद्र श्रीकृष्ण चैतन्य, जय जय नित्यानंद जय द्वैत धन्य, जय जय श्रीवासादि गौर भक्तगण, जय श्रोता गण जार मो गौर प्राण धन। ऐ मत प्रभु आछन प्रेमे रयावेशे, हेन काले प्रताप रुद्र करिल प्रवेशे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु आवेश में थे, जाकर के विश्राम कर रहे थे बगीचे में, सब भक्त वहां जुटे थे। इसी समय सार्वभौम उपदेश छाड़ी राजवेश, एकला वैष्णव वेश करिल प्रवेश। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि यही समय है, आप वैष्णव वेश में हो जाइए, राजा का वेश छोड़ करके धोती पहन लीजिए और तिलक और माला कंठी झोली लटका लीजिए, और वैष्णव वेश में आप इसी समय प्रवेश कीजिए। एकला वैष्णव वेश करिला प्रवेश, अकेले जाइएगा, उन्होंने कहा था, तो अकेले प्रवेश किए, कोई भी मंत्री वगैरह साथ में नहीं ले। सब भक्त आज्ञा नील जोड़ हाथ हैया, प्रभु पद धरी पड़े साहस करिया। कुछ जो जगे हुए थे भक्त विश्राम कर रहे थे, उनसे आज्ञा लिए कि हम चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, हमको प्रणाम करना चाहते हैं। सबने कहा ठीक, सब लोग प्रसन्न थे उन पर, सबने कहा ठीक है ठीक है।
तो चैतन्य महाप्रभु के चरण को पकड़ करके साहस करके, बहुत बड़ा साहस था, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य आदि समझा दिए थे कि नहीं वो दयालु है आपके प्रति, आप कृपा कर जाइए, तो साहस करके गए और चरण पकड़ करके लौट गए। आंखी मुंदी प्रभु प्रेमे भूमि ते सयान, निरपत्ति नैपुण्य करे पाद संवाहन। चैतन्य महाप्रभु आंख बंद करके विश्राम कर रहे थे, भूमि से पर लेटे हुए थे चमुतरे पर, और महाराज प्रताप रुद्र गए चरण को बहुत निपुणता के साथ संवाहन करने लगे, चरण दबाने लगे, बहुत वो जानते थे कैसे मसाज किया जाएगा, तो खूब अच्छे प्रकार से सावधानी से दबाने लगे। रासलीला श्लोक पढ़ी करे न स्तवन, जयति तेधिकम अध्याय करे न पठन। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था कि आप गोपी गीत गाइएगा, चरण दबाइएगा, तो चालू किए। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सासदत्र ही दैत दृश्यता दीक्षुताव का त्वयि धृता सवा त्वं विचिन्वते। इस तरह से वो गा रहे थे, गाते जाते थे, गाते जाते थे, और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल का संवाहन कर रहे थे। रासलीला रा श्लोक पढ़ी करे न स्तवन, जयति तेधिकम अध्याय करे न पठन। जयति तेधिकम अध्याय गोपी गीत को कहते, इसका पाठ कर रहे थे खूब बढ़िया स्वर में। सुनिते सुनिते प्रभुर संतोष अपार, ये गोपी गीत के इस गायन को सुनकर तो उनको बहुत संतोष हो रहा था भगवान चैतन्य महाप्रभु को। बल बल बलि प्रभु बले बार बार, एक श्लोक गा करके थोड़ा रुकते थे तो बोलो बोलो बोलो, चैतन्य महाप्रभु कहते बोलो बोलो बोलो, आंख नहीं खोल रहे थे, बोलो बोलो बोलो, बहुत आनंद में थे। और जब नौवां श्लोक तक पहुंचे, तब कथा मृत तप्त जीवन कवि भिरीडित कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनः। तव कथा मृतम श्लोक राजा जे पढ़िल उठी प्रेमावेश प्रभु आलिंगन कैल। जय जय महाराज प्रताप रुद्र की जय। प्रेमावेश में चैतन्य महाप्रभु उठ करके आलिंगन करने लगे, ये भी देख नहीं रहे हैं कि कौन है, आंख बंद किए कि आलिंगन करने लगे। और तुमी मोरे दिले बहु अमूल्य रतन, मोर किछु दीते नहीं दिलो आलिंगन, कह रहे थे तुमने मुझे बहुत दिया, तुम महादानी हो, भूरिदा हो, और मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं दे सकता, इसीलिए मैं आलिंगन दे रहा हूं। सबसे बड़ा दान तो भगवान का यही है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भिखारी सन्यासी हूं, इसीलिए मैंने तुमको आलिंगन दिया है, तुम मुझे बहुत दिए हो, बहुत दिए हो। इतना बलि से श्लोक पढ़े बार बार, दुई जनार अंगे कंप नेत्रे जलधार। यह श्लोक बोलकर चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को यही बलि से श्लोक पढ़े बार बार, चैतन्य महाप्रभु यह कहकर कि तुमने बहुत दान दिया, बहुत दान दिया, बार बार श्लोक को बोल रहे थे। दोनों जन्म महाराज प्रताप रुद्र में और भगवान चैतन्य महाप्रभु के अंगों में पुलक हो रहा था, नेत्र में प्रेम के आंसू झर जलधार गा रहे थे चैतन्य महाप्रभु। तब कथामृतं तप्त जीवनं कवि भिरीडितं कल्मषापहं श्रवण मंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते
भूरिदा जन भूरिदा भूरिदा बलि करे आलिंगन भूरिद भूरी का अर्थ है बहुत अधिक द माने देने वाला जो कृष्ण कथा देता है गाता है वो बहुत बड़ा दान देता है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भूरिदा भूरिदा बलि करे आलिंगन तो महादानी हो महावदान्य हो सबसे बड़ा दान दिया इस तरह से कह करके महाराज प्रताप रुद्र का बार बार आलिंगन कर रहे थे भूरिदा भूरिदा बलि करे आलिंगन इहो नहीं जाने यहाँ है कौन जान भूरिदा भूरिदा कह करके चैतन्य महाप्रभु आलिंगन कर रहे महादानी महादानी कृष्ण कथामृत दे रहा है लेकिन कौन वो व्यक्ति है नहीं देख नहीं रहे थे जान बुझ करके भगवान का ड्रामा था देख नहीं रहे थे पूर्व सेवा देखी तार कृपा उपजीला पूर्व जो सेवा उन्होंने किया झाड़ू देने की जगन्नाथ जी के आगे उसी से भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपालु हो गए अनुसंधान बिना कृपा प्रसाद करी यही देख चैतन्य कृपा महाबल तार अनुसंधान बिना कराय सफल देखिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा कि चैतन्य महाप्रभु का ध्यान नहीं है फिर भी कृपा काम कर रही है ये अद्भुत बात कही जा रही है चैतन्य महाप्रभु को जानकारी दिए बिना उनकी कृपा बरसती है इसका मतलब बहुत गूढ़ है इस तरह से भगवान कृपा उनके अनुसंधान के बिना उनकी कृपा महाराज प्रताप रुद्र को धन्य कर दी अनुसंधान नहीं होने का इसका मतलब कि खेल खेल में ही भगवान ये सब धन लुटाते रहते इस तरह उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र पर कृपा किया प्रभु बोले के तुम्हें करीला मोर हित अचंभित आशी पिया वो कृष्ण लीलामृत फिर वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु आंख खोले नहीं है बोल रहे कौन है आप और आपने मेरा परम हित किया अकस्मात आकर के मुझे कृष्ण लीलामृत पिलाया आप कौन है कौन है कौन है तो राजा कहते हैं राजा कहे अमित तुम्हार दासेर अनुदास भृत्यर भृत कर यही मोरे आस मैं आपके दासों के दासों का अनुदास हूं आप हमें अपना भृत्य कर लीजिए यही मेरी आशा है इसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु आंख खोले तबे महाप्रभु तारे ऐश्वर्य दिखाई लहे न कही कही यही निषेध करी ल चैतन्य महाप्रभु इसके बाद अपना ऐश्वर्य दिखाए राजा को वो राजा थे तो इसलिए भगवान ने ऐश्वर्य दिखाए अपना परम मधुर वृंदावन बिहारी रूप दिखाया उनको और ऐश्वर्य दिखा करके राजा को धन्य करके कहे इसको कहीं मत कहिएगा कि मैं ये हूं वो दिखाया दिखा किसी से मत कहना कहना कही बे निषेध कर ले किसी से मत कहना कहीं भी मत कहना है निषेध किया प्रताप रुद्रेर भाग्य देखी भक्त गणे राजा रे प्रशंसे सबे आनंदित माने महाराज प्रताप रुद्र के इस भाग्योदय को देखकर सभी भक्त गौ बहुत प्रसन्न थे और राजा की प्रशंसा कर रहे थे दंडवत करी राजा बाहिरे चलीला जोड़ हस्त करी सब भक्तेरे बनीला वहां से बाहर आए चैतन्य और महाराज प्रताप रुद्र सभी भक्तों को दंडवत किए प्रणाम किए मध्यान्ह करीला प्रभु लैया भक्त गौर काशीनाथ प्रसाद लैया कैला आगमन ये विश्राम करके फिर अभी वो रथ यात्रा में आएंगे अब वहां से रथ चलेगा तो यहां पर हम समाप्त कर रहे हैं महाराज